बैक एक्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि ओल्ड एज के कंपैरिजन में आजकल यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स में ज्यादा देखने को मिल रही है। कोविड-19 के कारण भी ऑनलाइन वर्क को प्रेफरेंस मिलने की वजह से वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और बैक एक के केसेस में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आखिर क्यों होती है बैक एक्स, क्या कारण है और क्यों बैक एक्स बार बार लौट कर वापस आ जाती है, आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ईशु और आप देख रहे हैं स्टे स्वस्थ। कारण जानने के पहले सबसे पहले अपनी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी 33 छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें वर्टिब्रास कहते हैं। इसमें से सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रास C1 से C7 आपकी गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू हो जाते हैं और इनका उभार हल्का सा अंदर की तरफ को होता है। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा T1 टू T12 आपकी अपर बैक में होते हैं और इनका उभार हल्का सा बाहर की तरफ होता है। 5 लंबर वर्टिब्रा L1 टू L5 आपकी लोअर बैक की तरफ होते हैं, वहां पर स्पाइन का उभार वापस से हल्का सा अंदर की तरफ होता है। 5 सेक्रल वर्टिब्रा जो कि उम्र के साथ फ्यूज हो जाते हैं, उनका उभार वापस से हल्का सा बाहर की तरफ होता है। एंड 4 कॉक्सिजल वर्टिब्राज आपस में फ्यूज करके टेल बोन बनाते हैं जिसे कॉकेक्स कहते हैं, वहां उसका उभार फिर से हल्का सा अंदर की तरफ को होता है। बैकेक की प्रॉब्लम मुख्यतः स्पाइन को सपोर्ट करने वाली मसल्स की वीकनेस, स्ट्रेन या स्पाज्म के कारण होती है। घंटों गलत तरीके से खड़े होना या गलत तरीके से गर्दन झुकाकर या पीठ झुकाकर बैठना, मोबाइल देखना और पढ़ना, उसकी वजह से बैक की मसल्स स्ट्रेन हो जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण है वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और बैक एक की प्रॉब्लम्स का। दूसरा बहुत बड़ा कारण है गलत तरीके से या गलत पोस्चर से भारी वजन को उठाना। तीसरा कारण है बैड स्लीपिंग पोस्चर। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो ये बहुत ही गलत पोस्चर है क्योंकि इससे बैक एक की प्रॉब्लम्स एक्सेंचुएट होती है। इसके अलावा ओवरवेट, प्रेगनेंसी या शियाटिका की वजह से भी बैक एक की प्रॉब्लम्स होती है। ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोन इन्फेक्शन, बोन फ्रैक्चर या कैंसर की वजह से भी बैक एक हो सकती है, तो बैक पेन्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज भी बैक एक का कारण हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से हम बैक एक की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर आपके प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं तो हर एक घंटे में थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें ताकि बैक की मसल्स पर ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। गर्दन और पीठ झुकाकर घंटों ना बैठें, सही सिटिंग पोस्चर को अपनाएं। कोई भी भारी सामान पीठ झुकाकर नहीं, घुटनों को मोड़कर ही उठाएं। मोटे तकिए की जगह सोने के लिए पतले तकिए का इस्तेमाल करें, पीठ के बल सोएं या फिर करवट लेकर भी सो सकते हैं। अगर आप पेट के बल ही सोना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि प्रॉपर प्रोन पोजीशन में ही सोएं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से लड़ने के लिए एक बैलेंस डाइट को फॉलो करें जिसमें कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन K2, ओमेगा 3, मैग्नीशियम आदि अच्छी मात्रा में होना चाहिए और ये सब आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से, फल, मशरूम्स, दूध या दूध से बनी चीजें, दालें, नट्स और सीड्स से आसानी से मिल सकते हैं। एंड फाइनली इन एक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर एक एक्टिव योगा रूटीन अपनाएं और बैक एक से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। आइए देखते हैं।
त्रिकोण आसना और ट्रायंगल पोज। डू इट ऑन द बोथ साइड्स, राइट एंड लेफ्ट। बाल आसना और चाइल्ड्स पोज। बितल मारुजारी आसना और द कैट काउ पोज। दंडायमन भार्मनासना और बैलेंसिंग टेबल टॉप पोज। लेग स्ट्रेचेस इन टेबल टॉप टू रिलीव शियाटिका पेन। अधोमुखो श्वान आसना और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। उत्तान शिशु आसना और पपी पोज। भुजंग आसना और कोबरा पोज। धनुर आसना और द बो पोज। विपरीत शलभासना और सुपरमैन्स पोज। मकर आसना और क्रोकोडाइल पोज। सेतु बंध आसना और ब्रिज पोज। पवन मुक्त आसना और विंड रिलीविंग पोज। मसाज योर बैक व्हाइल मूविंग साइड टू साइड एंड टू एंड फ्रो इन पवन मुक्त आसना। मरकट आसना और मंकी स्पाइनल ट्विस्ट। शव आसना, रेस्ट इन शव आसना फॉर 10 मिनट्स। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्लीप वेल, ब्रीथ डीप, एक्सरसाइज, कीप स्माइलिंग एंड स्टे स्वस्थ।